नीमच जिले के मनासा तहसील के कंजारा के पास के गांव खेडली के गुलाब सिंह परिहार के छोटे बच्चों ने अपने पॉकेट मनी गुल्लक से इकट्ठा करते हुए 5,060 रुपये कोरोना महामारी से बंद के कारण काम पर नहीं जाने वाले मजदूरों को खाना खिलाने के लिए कंजारा पुलिस चौकी थाना प्रभारी अनिल ठाकुर को दिए गए हैं। थाना प्रभारी ने बच्चों की सराहनीय कार्य के लिए काफ़ी तारीफ की है और कहा है कि ऐसे माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं। बेटा सर देश में कोरोना वायरस फैल रहा है। अच्छा कोरोना वायरस फैल रहा है, अरे वाह। तो कोरोना वायरस फैल रहा है तो उससे क्या किसको देंगे अपन? ये सब मजदूरों को, वो भूखे पेट सोते, भूखे पेट सोते इसलिए। अरे वाह यार बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? और आपका बेटा? पापा का नाम क्या है? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, तो आप सहयोग राशि देने आए हो? कहाँ से लेके आए आपने? पापा को पॉकेट मनी देते इसलिए हम गुल्लक तोड़ के आए। गुल्लक से सहयोग राशि देने के लिए आपने गुल्लक तोड़ा, आपकी पॉकेट मनी देते थे? हाँ। अरे वाह यार बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा काम है यार। वैसे आपको ये चीज़ें कहाँ से मिली हैं कि ये कोरोना वायरस फैल रहा है? अच्छा आपके पापा से। चलो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा मैं दे दूंगा आपके हिस्से का पैसा, आप रहना तो मैं दे दूंगा। आप ही को देना है? चलो ठीक है बताओ। अरे वाह ये तो इतने सारे कितने दिनों में इकट्ठे किए हैं? ओहो चलो ठीक है। देखो दोस्तों, वर्तमान में कोरोना वायरस फैल रहा है। ये मध्य प्रदेश का नीमच जिले का छोटा सा गांव खेलड़ी, यहाँ से कंजाड़ा से 4 या 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर छोटे से गांव में ये बच्चे कोरोना वायरस के लिए सहयोग राशि लेकर आए हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को अप्रिसिएट करें और लोगों को बताएं कि जिस तरह से अपन कोई भी सेलिब्रिटी आता है पैसे देता है उसे हम हाईलाइट कर देते हैं, उसे पूरे देश में हीरो बना देते हैं, पर इन बच्चों का क्या? जो बच्चे हमारे रियल हीरो हैं, ये अपनी कमाई से जितने पैसे उतने गुने ज़्यादा सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इनको भी सुपर हीरो बनाएं। और मैं लोगों से और अपील करना चाहूँगा कि देश में इसी तरह से जिन बच्चों का हौसला है उसी हौसलों से आप यदि सहयोग राशि ना दे पाओ, कम से कम ऐसे लोग घर के अंदर रहकर इस कोरोना महामारी से लड़ने में देश का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बेटा एक बार और नाम बताइए? केशव परिहार। और आपका? बड़े क्यूट हो, सॉरी हाथ लगाया, ठीक है ओके थैंक यू बेटा। कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है इसलिए मजदूर काम पे नहीं जा सकते, इसलिए हमने अब सारी पॉकेट मनी जो हमारे दादा दादी 10-10 रुपए देते थे जो पॉकेट मनी सारी काम पुलिस को दे दी। सब पुलिस काम सड़क पर रहती है और मजदूरों को दे देंगे वो, तो मजदूरों को खाने के खाना खाने सकते, वो भूखे पेट सो जाते हैं, इसलिए हमने सारी पॉकेट मनी पुलिस को दे दी। और पुलिस काम सड़क पे रहती है, सड़क पे चलती है जाती है, इसलिए हमने पुलिस काम पूरे मजदूरों को दे देती है और हमको पता नहीं चलता कौन मजदूर है कौन नहीं है और कोई भूखा पेट सो रहा है, इसलिए हमको पता नहीं चलता, पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस काम सारा इंतजाम करके ये पैसे से खरीद कर काम मजदूरों को दे देती है। क्या नाम है आपका? केशव सिंह परिहार। आपका नाम? कहाँ रहते हो? सबसे पहले तो अभी जो कोरोना महामारी के सिलसिले में 21 दिन का लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन ड्यूटी में मैं ड्यूटी करके अपने यहाँ से गुजर रहा था तो पास में दो बच्चे आए छोटे छोटे, एक की उम्र 12 साल और एक की 8 साल की थी, कि अंकल मुझे कुछ सहयोग राशि देनी है। तो मुझे लगा कि ये बच्चा चंदा मांगने आया, तो मैंने कहा बेटा किस बात के लिए आपको सहयोग राशि चाहिए? कि नहीं अंकल लेनी नहीं है, मुझे सहयोग राशि देनी है। तो मैंने पूछा बेटा सहयोग राशि क्या के लिए देनी है? तो वो बताया कि अंकल जो अभी कोरोना महामारी चल रही है उसमें 21 दिनों का लॉकडाउन है और लॉकडाउन में कोई भी दिहाड़ी गरीब मजदूर जो कि अपनी खेतीबाड़ी काम धंधे पे नहीं जा पा रहा है तो वो अपने पैसे उनको मिल नहीं पा रहे हैं और वो भूखा सोने की नौबत आ गई है। तो उनको मैं ये अपनी पॉकेट मनी जो मैंने बचाई है उससे मैं देना चाहता हूँ। बच्चों ने सबसे पहले तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा ये पैसे आपने लाए कहाँ से? तो सुन के मुझे भी बड़ा मैं भी भाव विभोर हो गया। मैंने
उनसे पूछा कि बेटा लाए कहाँ से, तो उनका कहना था कि अंकल हमारे घर में कोई भी रिश्तेदार आता है, हमारी बुआ आती है, मौसी आती है, और कोई भी हमारे घर मेहमान आते हैं, वो हमें जो पैसा देते हैं, मैं और मेरे छोटे भाई को, और जो भी हमारे पिताजी हमारी मम्मी पॉकेट मनी देती है, वो हमें गुल्लक में रखते हैं, और उस गुल्लक में जो पैसा इकट्ठा हुआ है हम उस गुल्लक को तोड़ के लेके आए हैं, तो ये राशि छोटे बड़े सब नोट मिला के 5060 रुपये थी। कंजाड़ा से महेंद्र भटनागर की रिपोर्ट।